हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन करेला एंड ककरोल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये करेला, जिसको अंग्रेजी में बिटर गॉर्ड भी कहते हैं, यह मोमर्दिका चेरेंश या वैज्ञानिक नाम वाले बेल का फल है। ये हल्के हरे से गहरे हरे रंग तक का होता है। इसकी ऊपरी परत इसी तरह खुरदरी होती है और इसके अंदर के बीज इस तरह होते हैं। इसे पूरे भारत भर में खाया जाता है और इसका स्वाद कड़वा होता है। आज दूसरा है ये ककरोल। इसे अंग्रेजी में स्पाइन गॉर्ड भी कहा जाता है। ये कनक्रो, करतोली, कंतोली, कंत्रोली और वन करेला नाम से भी जाना जाता है। यह मोमर्दिका डायोई का वैज्ञानिक नाम वाले बेल का फल है। इसकी ऊपरी परत इसी तरह कांटे कांटे जैसी लगती है, परंतु यह चुभती नहीं है। अंदर में इसके बीज इस तरह होते हैं। इसे भी पूरे भारत भर में खाया जाता है। इसका स्वाद करेले की तुलना में कम कड़वा होता है। यह है करेला और यह है ककरोल। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, परंतु दिखने में ये एक दूसरे से भिन्न हैं। करेला लंबा और बीज से मोटा होता है। इसकी ऊपरी परत मगरमच्छ की त्वचा की तरह खुरदरी होती है, जबकि ककरोल गोल और कांटेदार सा लगता है। यहाँ हमारे पास दोनों ताजी सब्जियां हैं, इसलिए इनके बीज बहुत नरम और कम दिखाई दे रहे हैं। दोनों के पके ये मैच्योर रूप में बीज अधिक दिखाई देते हैं और खाते समय बहुत सख्त भी लगते हैं। इस ककरोल की तुलना में ये करेला अधिक प्रचलित है, क्योंकि ककरोल अक्सर गर्मियों में ही बाजार में आता है, जबकि करेला पूरे साल भर बाजार में उपलब्ध रहता है। जो भी लोग करेले को इसके कड़वेपन के कारण खाना पसंद नहीं करते, वो ये ककरोल खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कड़वाहट है। दोनों में ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, कैरोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। ये दोनों ही अपनी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए प्रचलित हैं। करेले को तो मधुमेह के लिए बहुत ही लाभप्रद माना जाता है, परंतु यह भी मधुमेह के लिए लाभकारी है। स्थानीय तौर पर लोग इन दोनों की ही अलग अलग तरह के मसालों के साथ अलग अलग तरह की सब्जियां बनाते हैं। हमें इस करेले के चिप्स और अचार बहुत पसंद है। और हम आशा करते हैं आज के हमारी करेले और ककरोल की यह झलक आपके एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।